बाकी पार्टियों से बातचीत भी हो रही है और ये प्रोसेस अब जो है एक मोमेंटम पकड़ रहा है, पकड़ चुका है। चेहरा कौन होगा सर? अरे चेहरे की बात तो समय आएगी, तो समय आएगी सब सवालों की जवाब आएगा और उसी के आधार पर विद म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट अगला मीटिंग होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ सौरभ राय। नीतीश कुमार दिल्ली आए हुए हैं और दिल्ली में 2024 लोकसभा चुनाव की वो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी में वो लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से और सारे चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके सारे विपक्षी दलों को किसी भी हर हालत में एक मंच पे लाया जाए। इसी सिलसिले में CPIM नेता सीताराम येचुरी भी नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। नीतीश कुमार से मिलने के बाद सीताराम येचुरी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। देखिए, हमारी पार्टी और वामपंथियों की रुझान हर समय रही है कि जितने निरपेक्ष ताकतें हैं, जनवादी पार्टियाँ हैं, सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। आज अपने देश को, संविधान को और जनतंत्र को बचाना है और इसके लिए BJP और इस सरकार को हराने की ज़रूरत है 2024 के चुनाव में। ये हमारी रुझान हर समय रही थी। बाकी पार्टियों से बातचीत भी हो रही है और ये प्रोसेस अब जो है एक मोमेंटम पकड़ चुका है और वो आगे बढ़ेगा। चेहरा कौन होगा नीतीश कुमार? अरे चेहरे की बात तो समय आएगी, तो समय आएगी सब सवालों की जवाब आएगा। नीतीश कुमार जी की भूमिका क्या होने वाली है? जी, भूमिका सबकी यही होनी चाहिए और यही होने वाली है कि कितने लोगों को जोड़ सके जोड़े देश के हित में। सर, कांग्रेस की तरफ से कल क्या मैसेज रहा और अरविंद केजरीवाल ने क्या इसमें सिग्नल दिया? यार, सिग्नलें बहुत होते रहेंगे, बातचीत जब शुरू होगी, इतने सारे पार्टियां हैं तो ये सिग्नल्स आते रहेंगे और कई सारे होते रहेगी, लेकिन मोमेंटम आगे बढ़ रहा है। ये अभी इंडिविजुअल मीटिंग चल रही है, कलेक्टिव मीटिंग कब होगी? हाँ नहीं, कोएलिशन बनेगा और सीट एडजस्टमेंट्स होंगे बेसिकली स्टेट लेवल पे। सर, 2019 के पहले भी इस तरह की मीटिंग हुई थी लेकिन उसके बाद भी अलग अलग पार्टियां हो गई, अलग अलग चुनाव लड़ी, तो क्या इस बार की ये मीटिंग जो हो रही है आप लोगों की वो आगे सकारात्मक होगी, सकारात्मक हो पाएगा? वही उम्मीद है और वो जिस रास्ते पे शुरू हुई है और जितना आगे बढ़ी है उससे ये है, हम कॉन्फिडेंट है कि ये आगे बढ़ रही है। सर, अभी इंडिविजुअल मीटिंग हो रही है, क्या कुछ पार्टी है उसके साथ कैसे अलायंस होगा? जैसे बंगाल की बात करें, TMC के साथ क्या आप लोग या कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? मैं आपको फिर से स्पष्ट रूप से बताऊं, या समझ लीजिए, और कुछ भाषा में बोलना चाहिए तो बोल दूंगा। नहीं नहीं सर, सीट की एडजस्टमेंट होगी स्टेट लेवल पर, हर स्टेट में अपने अपने अलग परिस्थितियाँ हैं। केरल में कांग्रेस और हमारे बीच में टकराव है जी, सीधा सीधा। वहाँ पे BJP का एक भी MLA नहीं जीत सकता। वहाँ की जो टैक्टिक्स होगी वो नेचुरली बाकी जगह पर वही टैक्टिक्स नहीं होगी, तो इसलिए समझिए स्टेट स्पेसिफिक होगा। लेकिन सवाल ये है कि सब ये सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टियाँ सब की उद्देश्य स्पष्ट है कि हम लोग मैक्सिमाइज करें पूलिंग ऑफ anti-BJP वोट, ये नहीं कि 37% वोट लेकर वो सरकार बनाते जाए। सर, एक कलेक्टिव मीटिंग आर यू रूलिंग आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ पार्टी कलेक्टिव मीटिंग कब? आर यू रूलिंग आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ आई एम नॉट रूलिंग आउट एनी यू सी द फ्रंट दैट इज गोइंग टू बी फॉर्मड इफ एट ऑल इट विल ऑलवेज बी आफ्टर द इलेक्शंस। सर दैट हैज बीन द हिस्ट्री। सर, नीतीश कुमार 96 यूनाइटेड फ्रंट वाज फॉर्मड आफ्टर इलेक्शंस, 98 NDA was formed after elections, after Vajpayee election. 2004 UPA was formed after elections. So that is about. So don't jump the gun now. I mean, let's cross the bridge. Sir, when you reach them, cross when you reach the bridge. अभी सर individual meeting चल रही है, united meeting कब होने वाली है सर? एक साथ सर meeting कब होगी? बात बाकी पार्टियों से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है और उसी के आधार पर with mutually convenient date अगला मीटिंग होगा और जल्द से जल्द 2 वीक्स। आज का बयान सुनिए, कल जो बयान दिए उसके बारे में क्या कहेंगे आप तो एक केस बना रहे हो कि अगले मीटिंग में आप शामिल होना चाहते हो हमारे साथ। आइएगा, आपको भी आमंत्रित कर लेंगे, आप भी मदद करें सीट बांटने में। तो आपने देखा, सीताराम येचुरी ने बहुत कुछ कहा। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटीज़।